दिल्ली दंगों में 93 लोग गोली लगने से घायल हुए हैं। सोचिए इस तादाद में गोलियां चली हैं, 13 लोगों की गोली लगने से मौत हुई है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के 45 मामले दर्ज किए हैं। इससे अंदाजा मिलता है कि दिल्ली दंगों में बंदूकों का किस तरह से खुलकर इस्तेमाल हुआ है। कुछ वीडियो तो वायरल हुए हैं गोली चलाने के, लेकिन आर्म्स एक्ट के 45 केसों की संख्या बता रही है कि अभी और अपराधियों का सामने आना बाकी है। यह भी कि गोली चलाने वाले इलाके के ही लोग थे या बाहर के, जैसे इस वीडियो में गोली चलाने वाला शाहरुख इसी इलाके का है। शाहरुख की यहाँ जुराबों की फैक्ट्री है। जितना हिस्सा वायरल हुआ उतने में ही शाहरुख की पिस्टल से गोली चलने की 2 से अधिक बार आवाजें आती हैं। शाहरुख ने दिल्ली पुलिस के जवान दीपक दहिया पर पिस्टल तान दी थी, मगर दीपक भी अपनी जगह से पीछे नहीं हिले। पुलिस ने शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद भी यह दिल्ली में ही रहा, लेकिन वहां से पंजाब और फिर शामली चला गया, यूपी के शामली में, जहां से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया है। पुलिस के अनुसार 2 साल पहले ही इसने पिस्टल ली थी। पिस्टल अभी बरामद नहीं हुई है। यह भी जांच का विषय है कि शाहरुख की पिस्टल से निकली गोलियों से किन किन लोगों को हानि हुई है। पिस्टल कवर की कोशिश कर रहे हैं। ये मुंगेर का पिस्टल है, इसका एक साथी था जो इसकी फैक्ट्री में काम करता था। ये आदमी अपने ही घर में जुराबों की फैक्ट्री चलाता है, उसमें कोई लेबर काम करता था, मुंगेर का था, उससे इसने 2 साल पहले लिया था। सर, इस तरह के इसने फायरिंग की, फायरिंग का रीजन क्या था? इसने बताया कि जब प्रोटेस्ट चल रहा था और पत्थरबाजी होने लगी तो ये टैश में आ गया और स्पर्फ मूवमेंट पे इसने फायरिंग कर दी। कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है इसका, क्योंकि वो अचानक से पिस्टल लेके आता है, फायर कर देता है? कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड, क्या किसी गैंग से जुड़ा हुआ है? इसका अपना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड अभी नहीं मिला है। इसके पिताजी का एक केस है नारकोटिक का और फेक करेंसी का, इसका अपना रिकॉर्ड नहीं है। बाकी किस गैंग से कोई तल्लुक रखता है अभी इस पर इन्वेस्टिगेट जारी है। जो इससे पता लगा है, शौक की फैक्ट्री चलाता है, मॉडलिंग का शौक रखता है, टिकटॉक वीडियो बनाता है, अपलोड करता है। दिल्ली दंगों में हुए आर्थिक नुकसान का मूल्यांकन अभी बाकी है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शिव विहार का दौरा किया, जहां बड़ी संख्या में बेकरी जला दी गई है और लूटपाट भी हुई है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि सोमवार रात तक उनके पास जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार दिल्ली दंगों में 327 से अधिक दुकानें जलाई गई हैं, 79 घर पूरी तरह जलाकर राख कर दिए गए हैं, 168 घरों को भी काफी हद तक जला दिया गया है, 40 घरों को आंशिक रूप से जलाया गया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अंतिम संख्या नहीं है, अभी और बढ़ सकती है। दिल्ली हिंसा में घायलों की संख्या 442 हो गई है, मरने वालों की संख्या 49। मुस्तफाबाद के बाबू खान के 2 बेटों का शव नाले से मिला है मंगलवार को। आमिर की उम्र 30 साल की है और हाशिम की 19 साल। बुधवार को लगा कि सब ठीक है, तब दोनों गाजियाबाद से मुस्तफाबाद की तरफ निकल गए थे। ये रिपोर्ट देखिए। आपके बेटे जिस रोज दंगे हो रहे थे सोमवार को, पिछले सोमवार को 24 और 25 तारीख को यहाँ नहीं थे, कहाँ गए थे वो लोग? मेरे बेटे वहाँ थे, क्या नाम है, यूपी में, और मेरी ससुराल में मेरी घरवाली भी वहीं रह रही थी। क्या नाम है, मेरे ससुर साहब की तबीयत खराब चलती, तो मेरी ये बेटी यहाँ पढ़ती है नीमून में, तो मेरा बेटा छोटा उसे छोड़ने गया था। उसके बाद यहाँ माहौल खराब हुआ, मौजपुर चौक पे जो नेताओं ने भड़का भाषण दिए थे, मैंने कहा बेटे यहाँ माहौल खराब है, यहाँ मत आना। ठीक है पापा, न्यूज़ देख लिया, मैं नहीं आ रहा। 3 दिन मेरा बेटा हुए, जब मीडिया ने दिखा दिया सबको शांति है, पुलिस फोर्स आ गई है, सारा इंतजाम बढ़िया, कुछ नहीं है, जब मेरा बेटा बड़े बेटे को लेके और वो घर के लिए आ रहा था 26 तारीख, बस वहाँ मेरे बेटे ने आके मेट्रो स्टेशन जो गोकुलपुरी थाना है उसके नीचे से रास्ता आ रहा है क्रॉस, वहाँ से 5 मिनट में आ जाता हूँ। वहाँ से मेरे बेटे ने फ़ोन कराया, कहाँ से करा मुझे नहीं पता, उसने कहा 5 मिनट में मैं घर पे आ रहा हूँ और यहाँ आ चुका हूँ मैं नहर के आसपास में। मेरे बेटे ने कॉन्टेक्ट करा उससे कि भाई 5 मिनट का टाइम दिया, अभी तक नहीं आई, स्विच ऑफ। उसके बाद सर हम मिलाते रहे हमारे बच्चे का, कोई पता नहीं है, स्विच ऑफ। हमने इधर बिधर पूछा, कहीं पता नहीं चला। फिर सुबह को हम थाने पहुंचे, थाने वालों ने हमें फोटो दिखाए कि इनमें देखो कोई है तुम्हारा, मेरी बेटी मेरे साथ में, उसने पहचान लिए। बस एक तो ये है कि दंगा कर रहे उन्होंने, उसके चक्कर में मारे गए, मेरे तो रास्ते में आ रहे, मेरे बच्चों को क्या कसूर है बताओ। आपने अपनों को खोया है, क्या संदेश देना चाहेंगे इस पूरे देश को
क्योंकि आपने अपनों को खोया है, कोई अपनों को ना खो, मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है आपके लिए। सर मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि जिस माँ के दो लाल चले गए उसके जी से आप क्या बीत रही है, बाकी किसी और के लाल नहीं जाने चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। बस इन दंगों में दिल्ली बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा का के जो नेता हैं उनका घर जल गया। हापुड़ जिले के उपाध्यक्ष मोहसिन अली की भी मौत हो गई। मोहसिन भी बीजेपी के ही सदस्य थे। मोहसिन काम की तलाश में दिल्ली आए थे, उनकी कार जला दी गई। रवीश रंजन शुक्ल की रिपोर्ट। ऊपर सब लूटपाट कर ली, सामने सैमसंग की एलईडी लगी हुई थी 1.5 लाख रुपए की लाया था मैं, वो उतार के ले गए, ऊपर की सारी एलईडी गायब है, आप जाके देख लो। 30 साल से भागीरथ विहार में रहने वाले अख्तर रजा 7 दिन बाद अपना जला घर देखने आए हैं। घर के अंदर तबाही का मंजर है। दंगे में बामुश्किल जान बच पाई, बाकी सब दंगाइयों ने या तो लूट लिया या जला दिया। वो खुद बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पुलिस और कपिल मिश्रा से नाराज दिख रहे हैं। पुलिस को कॉल की, पुलिस की तरफ से पॉजिटिव बात हुई, लेकिन जमीनी स्तर पे कोई मदद नहीं आ पाई। बीजेपी के नेताओं से मेरी जिन लोगों से बात हुई सबने सहानुभूति भी दिखाई और ये भी कहा कि अख्तर भाई गलत हुआ बहुत ज्यादा। भागीरथ विहार में अल्पसंख्यक समुदाय के ही घरों को दंगाइयों ने निशाना बनाया। अख्तर रजा ने कुछ को पहचाना भी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए मैक्सिमम दंगाई बाहर के थे, मैं इस चीज को मानता हूँ क्योंकि मैं इसी कॉलोनी में मेरा जन्म हुआ है और लगभग 33 साल मेरी उम्र हो रही है और 20 साल से मुझे अच्छी तरह होश भी है, लेकिन कुछ लोग थे, आइडेंटिफाई भी है, नजरों में है, शिकायत दी है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं है। ये है दर्द अख्तर रजा का, जो कि खुद बीजेपी के लीडर हैं और अभी भी उनको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये जो नफरत फैलाने वाले नेता हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, किसी भी मजहब के हों। इस दंगे के शिकार मोहसिन अली भी हुए हैं। वो हापुड़ में अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष थे। काम के सिलसिले में वो दिल्ली आए थे, दंगाइयों ने उनकी कार जला दी। अब पुलिस उनके शव को DNA परीक्षण के लिए भेजा है। दंगा खत्म होने के बाद अब मुआवजा देने के लिए मंत्री से लेकर संतरी पहुंच रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की जान बामुश्किल बच पाई है वो अब भी अपने घर लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। और दंगाइयों से रिक्वेस्ट भी करी लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। 100 नंबर भी कॉल करी, पूरी रात ये बच्चे फंसे रहे, यही फंसे रहे पूरी रात। इन्होंने वो यहाँ आग लगा के इस दायरे के अंदर बच्चों ने जिंदगी और मौत का सामना करते हुए बहुत हिम्मत से, हाँ वहाँ भूस के कट्टे लगे हुए थे, जो भैंसों के लिए हम चारा इकट्ठा करते हैं वो भूस के कट्टे वहाँ लगे थे। उसके पीछे जब दंगाई ज़्यादा बढ़ते चले गए, उसके बाद ये बच्चे कूद के किसी तरीके से उस भूस के कट्टों के पीछे गए। उस कट्टों के पीछे इन बेचारों ने अपना मुंह दबा के कैसे ना कैसे पड़े रहे। ये अब दंगा पीड़ितों का भरोसा दोषियों को सजा और बेहतर कानून व्यवस्था से ही आ पाएगा, जो प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।